अगला दिन, ट्रेडिशनल फेस्टिवल अब खत्म हो गया है और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पहले की तरह ही फिर से शुरू हो गई है। लेकिन अब काउंसलर और हॉस्टल के वार्डन दोनों ही मिहिर की असली पहचान के बारे में जानते हैं और इसलिए मिहिर को छुट्टी मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई और वो छुट्टी लेकर सीधा ओल्ड सिटी के लिए निकल गया। मिहिर टाइम से ओल्ड सिटी पहुंच गया क्योंकि वो कारीगरों के साथ हुए समझौते को नहीं तोड़ सकता, और वहां पहुंचकर मिहिर ने देखा कि हरमन अपने साथ 20 से ज्यादा कारीगरों को लेकर पहले ही वहां पर आ गया है। मिहिर ने उन सबको वहां पहले से ही उसका इंतजार करते हुए खड़े देखा तो जल्दी से आगे बढ़कर हरमन का हाथ पकड़ते हुए बोला, मैंने अपनी तरफ से टाइम पर आने की बहुत कोशिश की लेकिन ट्रैफिक की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया, सॉरी, आप सबको मेरा वेट करना पड़ा। मिहिर की बात सुनकर मास्टर हरमन ने अपने मन में सोचा, मिहिर सच में कितना अच्छा। मिहिर की बात सुनकर हरमन और उनके सारे कोवर्कर्स काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन सभी को मिहिर का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। मास्टर हरमन ने मिहिर से कहा, वाह सर, आपने बहुत ही अच्छी प्लानिंग की है। अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो इतनी बड़ी जगह का अच्छी तरह से यूज भी हो जाएगा और हमें किसी चीज की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आपकी सोच सच में बहुत अच्छी है क्योंकि सिंह कॉरपोरेशन में तो कोई इस तरीके से सोचता ही नहीं, और अगर सोचता भी है तो वो हम वर्कर्स के साथ इस तरह से तो अपनी प्लानिंग को कभी डिस्कस नहीं करता। मिहिर उनकी बात सुनकर मुस्कुराता है। तभी एक को वर्कर मिहिर से बोला, सर, इतना सब कुछ आपने एक रात में कैसे सोच लिया और अगले दिन अपनी प्लानिंग को कंप्लीट भी करके दिखा दिया। आपके बिजनेस आइडियाज को देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है कि अब हमें आप जैसे इतने इंटेलिजेंट बॉस के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अपने को वर्कर की बात सुनकर हरमन ने कहा, अब मुझे किसी भी चीज की टेंशन नहीं होगी क्योंकि मैंने आपके आइडिया को समझ लिया है। आपके सारे डिसीजन बिल्कुल सही है और आप हर फैसला बहुत सोच समझकर कर लेते हैं, तो अब अगर आप अपने इस स्टोर को बनाने में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी आपका साथ पूरी तरह से देंगे। तो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और अपने अपने कामों को शुरू करना चाहिए। अपनी पूरी बात सभी वर्कर्स को समझाने के बाद मिहिर जब अपने स्टोर को स्टार्ट करता है तो सारे वर्कर्स के बीच में खड़े होकर मिहिर ने कहा, मैं आप सभी के साथ कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, प्लीज आप सभी मेरी बात पर ध्यान दें। हमारी इस पत्थर की कढ़ाई और नक्काशी की दुकान का नाम धरा स्टोन एम्ब्रॉयडरी कॉरपोरेशन लिमिटेड होगा और इसके जनरल मैनेजर मिस्टर हरमन होंगे। सारे वर्कर्स जैसे ही मिहिर की इस अनाउंसमेंट को सुनते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने सबसे उम्रदराज मास्टर को शुभकामनाएं देने लगते हैं। इतना सुनकर हरमन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। हरमन ने इमोशनल होते हुए मिहिर से कहा, क्या सच में मिहिर बॉस, मैं जनरल मैनेजर की पोस्ट पर हूं? मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां मास्टर हरमन, आप जनरल मैनेजर की पोस्ट पर हैं। बट आपकी आंखों में आंसू क्यों?
ओ अच्छा, कहीं ये खुशी के आंसू तो नहीं है? हरमन आंखों में आंसुओं के साथ मुस्कुराने लगे। मिहिर ने अपने सभी वर्कर्स को एक साथ देखकर बोला, अब जब आप सभी एक साथ हैं तो मैं एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। हमारी कढ़ाई कंपनी का नाम धरा एम्ब्रॉयडरी लिमिटेड होगा और धरा, तुम अपनी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी की जनरल मैनेजर होगी। तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? धरा सिंह ने हां में सिर हिलाकर कहा, नो सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं अपनी इस पोस्ट पर रहकर पूरी हार्डवर्क के साथ अपना काम करूंगी और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आप निश्चिंत रहें। मिहिर धरा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए वर्कर से कहता है, आप सभी को अगर अपनी अपनी पोस्ट समझ में आ गई है तो आप सभी काम पर जाइए और इन दोनों कंपनियों को अपनी कंपनी समझकर पूरी मेहनत के साथ काम कीजिए। आप सभी के बोनस और सैलरी को मैं क्लियरली बता दूंगा, उसकी टेंशन आप सब में से कोई भी ना ले। मिहिर की बात सुनकर सभी वर्कर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या कहा अभी बॉस ने, बोनस? क्या मैंने सही सुना? हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, मिहिर बॉस हमें सैलरी के साथ साथ बोनस भी देंगे। सच में मैंने आज तक इतने ओपन माइंडेड बॉस के साथ काम नहीं किया, ये तो सच में बहुत अच्छे हैं। मिहिर ने अपनी दोनों कंपनियों की हेडलाइन और नाम रखकर अपनी दोनों कंपनियों के मैनेजर्स भी बना दिए थे। तभी मिहिर ने धरा से कहा, धरा, कंपनी ने तुम्हारे नाम का फायदा उठाया है, दोनों ही कंपनियां तुम्हारे नाम से चलेंगी, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने तुमसे बिना पूछे ही तुम्हारे नाम का इस्तेमाल किया है। इतना बोलकर मिहिर मुस्कुराने लगता है और धरा ने भी मिहिर की तरह हंसते हुए कहा, नहीं मिहिर सर, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि आप आगे जितनी भी अपनी कंपनियां खोलें उन सब में मेरा ही नाम डालें और वो सारी कंपनियां भी मेरे नाम से ही चलें। धरा की बात सुनकर मिहिर मुस्कुराता है और धरा अपने काम पर वापस लौट जाती है और मिहिर ने अपने सभी वर्कर्स को काम करते देखकर सोचा, एक कंपनी से दो कंपनियां होना मेरे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है, पर जैसे जैसे कंपनियां बढ़ेंगी मुझे उसमें काम करने के लिए वर्कर्स भी तो बढ़ाने होंगे, क्योंकि अकेले धरा और मैं इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। मुझे जल्द ही ऐसे किसी इंसान को ढूंढना होगा जिस पर मैं भरोसा भी कर सकूं और उस पर कंपनी की काफी सारी जिम्मेदारी भी दे पाऊं। तभी मिहिर अपने सर पर हाथ रखता है और सोचने लगता है कि वो ऐसा किस व्यक्ति पर इतना भरोसा कर सकता है जो उसकी कंपनी के लिए ईमानदार रहेगा और पूरी ईमानदारी से काम करेगा। तभी मिहिर को नेहा याद आती है और मिहिर ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे नहीं यार, मैं नेहा को कैसे भूल सकता हूं, वो तो मेरी कितनी हार्ड वर्किंग और ईमानदार एम्प्लॉई है। मैं उसे अगर फोन करके बुला लूंगा तो शायद वो आ जाएगी और मैं उसकी तो सारी कैपेबिलिटीज भी जानता हूं, वो भी ये सारी चीजें आराम से हैंडल कर सकती है। इतना सोचकर मिहिर ने तुरंत अपना फोन निकाला और नेहा को कॉल करने लगा। नेहा जैसे ही मिहिर का नंबर देखती है तुरंत कॉल रिसीव कर लेती है। मिहिर ने नेहा से कहा, हेलो नेहा। नेहा मिहिर की आवाज सुनकर तुरंत पहचान गई और बोली, हेलो मिहिर सर, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? मिहिर ने नेहा की बात सुनकर कहा, मैंने ओल्ड सिटी में धरा एम्ब्रॉयडरी कंपनी नाम का एक नया स्टोर ओपन किया है और उसमें तुम्हारे लिए एक जॉब है और मैं वो जॉब तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देना चाहता, इसलिए कल सुबह कंपनी में आ जाना। नेहा ने मिहिर की बात सुनकर कहा, छोटे मालिक, इतने दिनों से आपने मुझसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया तो मुझे लगा आप मेरे बारे में भूल गए हैं। नेहा बोल ही रही थी कि तभी मिहिर ने कहा, हाँ इतने दिनों से मैंने तुम्हें कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया तो इसका क्या मतलब है, क्या तुम नहीं आओगी? नेहा मिहिर की बात सुनती है और कोई जवाब नहीं देती। मिहिर ने नेहा से बोला, हेलो नेहा, अरे क्या सोचने लगी तुम, मेरी बात सुन रही हो ना? नेहा ने मिहिर की बात सुनकर कहा, यस सर, आपकी बात सुनकर मैं ये सोच रही हूँ कि अब अगर मैं आऊंगी तो आलिया मैम को कहीं मुझसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मिहिर ने नेहा की बात सुनकर कहा, अच्छा तो तुम आलिया के बारे में सोच रही हो? नहीं, उसे अब तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम आलिया के बारे में ज्यादा मत सोचो, नीलामी के दौरान जो कुछ भी हुआ था उसे भूल जाओ और कल तुम ओल्ड सिटी वाली न्यू कंपनी में काम के लिए आ जाना, और अगर फिर भी तुम नहीं आना चाहती तो मुझे अभी बता दो, मैं किसी और को इस काम के लिए ढूंढ लूंगा। ये सुनकर नेहा ने मिहिर से कहा, मैं आपको मना नहीं करना चाहती सर, पर मैं अभी दूसरे काम में थोड़ा बिजी हूं, इसलिए शायद। नेहा अभी फोन पर बोल ही रही है तभी मिहिर ने नेहा से कहा, कल से तुम काम पर आ जाओ, मैं तुम्हें मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कई मामलों के लिए जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूं। नेहा ने मिहिर की बात सुनकर अपनी आंखों को बड़ा कर लिया और कहा, सीरियसली मिहिर सर, आप मुझे इतनी बड़ी पोस्ट देना चाहते हैं? तो फिर ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। मिहिर नेहा की बात सुनकर मुस्कुरा कर बोला, नेहा मैं तुमसे एक बात और बताना चाहता हूं, मैं तुम्हें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं तो इस काम को तुम इजी मत समझना, ये एक मुश्किल काम है,
पर मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि तुम इसे संभालने में कैपेबल हो। कंपनी में मुख्य रूप से काम तुम कर सकती हो, इसीलिए मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं। आई होप तुम मेरे इस ट्रस्ट को नहीं तोड़ोगी, और कल सुबह जल्दी कंपनी पहुंच जाना। नेहा ने मिहिर की बात सुनकर कहा, नहीं सर, आप मेरे बॉस हैं और मैं आपके सारे ऑर्डर मानती आई हूं और हमेशा मानूंगी, इसलिए आप बेफिक्र रहें। मिहिर ने नेहा से कहा, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। बस तुम्हारे इसी कॉन्फिडेंस की वजह से तो मुझे सबसे पहले तुम ही इस काम के लिए कैपेबल लगी हो। तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं इस सिचुएशन में तुम्हारे उस चिप को हटाने के बारे में भी सोचूंगा। नेहा जैसे ही मिहिर की ये बात सुनती है, वो खुशी से अपनी जगह पर उछल जाती है, और नेहा के आसपास के लोग उसे इतना खुश देखकर उसे घूर कर देखने लगते हैं। तभी नेहा अपनी खुशी को कंट्रोल करती है और इसे छिपाते हुए शांति से अपनी जगह पर बैठ जाती है। नेहा कुछ सोचकर मिहिर से बोली, सच में मिहिर बॉस, अभी आपने जो बोला वो सच है? कहीं आप मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं? क्या सच में आप मेरी चिप हटा देंगे? क्या मिहिर ऐसा कर सकता है? ये जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।